हाँ तो भाई कि आपके भी मेरी तरह इंस्टाग्राम पे कम फॉलोवर्स और आपको वेरिफिकेशन बैच चाहिए, जैसे मेरे यहाँ पे वेरिफिकेशन बैच आपको ब्लू कलर का देखने को मिल जाता है, जो भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मिला करता है। लेकिन भाई हालांकि ये तो फोटो एडिटेड है, बट मैं आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे भाई आप कुछ पैसे पेमेंट करके आप अपने अकाउंट के आगे ब्लू वेरीफिकेशन बैच लगवा सकते हो, जो रियल वाला सेलिब्रिटीज़ को मिला करता था। अब भाई वेरीफिकेशन बैच की भाई ऐसा कुछ नहीं कि आपके 200, 500, 400 फॉलोवर है भाई आपको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, बस सबको पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे भाई आप जो है आप वेरिफिकेशन बैच बाय कर सकते हो ऑनलाइन, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ तो भाई देखिए, कुछ दिन पहले ट्विटर ने ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस लाया था, जहां भाई आप ट्विटर पे जो है वेरिफिकेशन बैच पा सकते थे, बस उसी का नकल जो है फेसबुक वाले ने भी कर दिया और आप इंस्टाग्राम पे भी पा सकते हो। तो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सिंपल सा, जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे अकाउंट में आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे 717 फॉलोअर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा साइड होता हूँ, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप बराबर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि सिंपल सा मैं यहाँ पे पट्टी वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मुझे मीटा वेरीफाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप में शो नहीं हो रहा तो क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे आना है, ये मोह माया की दुनिया से दूर रहना है। यहाँ पे सिंपल सा कोई भी एक ऐसे अकाउंट का नाम सर्च कर लें जहाँ पे वेरीफिकेशन बैच पहले से अवेलेबल हो, जैसे यहाँ पे रविंद्र जडेजा जी का यहाँ पे सिंपल सा पहले से ही है, 3 डॉट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट, मीटा वेरिफिकेशन वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। मेरे में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट आप में शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे टैप कर देना है, फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद में आपका भी नंबर लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम वापस आते हैं, जैसे मैं 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं मीटा वेरीफाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल सा इसके ऊपर कर देना है टैप, जैसे आप टैप करते हो तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जो भाई इनकी सब्सक्रिप्शन प्लान ले तो आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके भाई जो अकाउंट है उसका ब्लू बेरिस लग जाएगा, टिक लग जाएगा, या फिर बात की जाए तो आपकी अकाउंट की प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। आपको अगर कस्टमर सर्विस की रिक्वायर्ड होगी तो भाई आपकी तुरंत कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन किया जाएगा और आपको यूनिक स्टिकर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर सब्सक्रिप्शन वाले पे टैप करना है, सब्सक्राइब वाले बेसिकली यहाँ पे टैप करते हो तो यहाँ पे बता रहे कि आपको 699 रुपये का पेमेंट करना है। ये मंथली वाइज होगा, जैसे आप कोई अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते थे तो वहाँ पे आप मंथली पेमेंट करते थे, सेम वही वाला सिस्टम ही, आपको हर महीने 699 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तब अकाउंट के आगे आपकी वेरिफिकेशन बैच लगा हुआ रहेगा। अब हालांकि वेरिफिकेशन बैच की वैल्यू क्या ही पता, भाई जिसके पास पैसा है भाई 700-700 रुपये में वेरिफिकेशन बैच मिलता था, जो भाई एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अनमोल हुआ करता था। भाई जिसके पास लगा है वो भाई एकदम हैवी ड्राइवर वाला आदमी, जिसके पास लेकिन भाई अब कोई वैल्यू नहीं। हालांकि बात करें तो सिंपल सा आपको बाय नाउ वाले ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक है। जैसे आप बाय नाउ वाले ऑप्शन पर आते हो तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पेमेंट कर देना, आप फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, कोई भी UPI पेमेंट के थ्रू आप जो यहाँ पे सिंपल सा 699 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नीडेड। तो क्या करना है, आपको अपने कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हुआ, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर जैसे आप कंफर्म आइडेंटिटी करते हो तो यहाँ पे सपोज कीजिए पहले ये पेज आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में नाम लिखा होगा सेम टू सेम नेम आपको, वही यूजर नेम तो अलग होता है, जो नेम होता है जो प्रोफाइल के नीचे आपको नेम शो होता है वो चीजिए, मेरा नाम आदर शुक्ला है और मेरी आइडेंटिटी प्रूफ में भी आदर शुक्ला नाम लिखा है तो मेरे को आदर शुक्ला ही लिखना पड़ेगा। अगर मेरी आइडेंटिटी प्रूफ में आदर्श कुमार शुक्ला लिखा है तो मुझे यहाँ पे आदर्श कुमार शुक्ला लिखना पड़ेगा, मतलब जो जैसे आइडेंटिटी प्रूफ में लिखा है वैसे सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देना है प्रोफाइल फोटो, जो आपको जो प्रोफाइल मतलब DP जो रहेगी वो आपका शकल का रखना, कि भाई जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोगे तो पता चल जाएगा कि जो प्रोफाइल पिक्चर डाला हुआ है, जो DP डाला हुआ है उसी की तरह ये आपका फोटो दिखना रहना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब जो है जैसे कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते थे तो आपके फोन पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज आएगा, तभी आप पिन कर सकते थे, लॉगिन कर सकते थे, तो भी प्रोसेस आपको कर लेना है। जैसे आप कर लेते हो तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का चूज करने के आ गया, सिंपल से आपको टैप करना है, वहाँ पे नेम डाल देना है और जैसे ही आप कर देते हो तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, मतलब अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर में अगर आपने डॉक्यूमेंट बराबर दिया होगा, नेम मैच हो जाता है, आपने जो DP रखी हुई है और जो आपका अकाउंट में मतलब इससे कि सब कुछ कि आपके आधार कार्ड में आपका फोटो लिखा हुआ, ठीक है, और आप जो ऐसी DP लगाइएगा कि आपका शकल उसमें प्रॉपर दिख जाए, कहीं धुंधला ना रहे, और जो भी आप जो मतलब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, जो अपलोड करोगे, तो भी भाई कहीं ब्लर ना रहे, कहीं धुंधला ना रहे, बस ठीक है। तो दोनों चीज़ आप अप्लाई कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर में आपके अकाउंट के आगे ब्लू टैग वेरिफिकेशन बैच टिक लग जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।